जानते हैं कि एक डेढ़ महीने से हमारी संगठन की तरफ से जो एक पाड़ा चल रहा था, जो बूथ शक्तिकरण का, पूरे भारतवर्ष में ऐसा बूथ शक्तिकरण काम चल रहा था। उसी प्रकार जम्मू जिला में भी हमने बूथ का सशक्तिकरण किया और 262 बूथों में सब जगह हमारे बूथ अध्यक्ष और बूथों की टीमें बनी। और उसके साथ साथ ही 30 अप्रैल को जो है मन की बात, जो मोदी जी का हैंडल एपिसोड था, उसके ऊपर प्रोग्राम था। और मोदी जी ने जो सोमा प्रोग्राम जो किया मन की बात का, वो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को मन को छू लेने वाली बात हुई है। और जम्मू जिला में 15,000 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता है, उन्होंने मन की बात का प्रोग्राम सुना और 200 से ज़्यादा बूथों पर ये प्रोग्राम हुए। और खासकर जम्मू जिला में 10-12 जगह ऐसे जहाँ बड़े प्रोग्राम हुए। और एक सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है जो तालाब तिलो मंडल में जम्मू जिला की तरफ से हुआ, गोल गुजराल में, वहाँ हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे और उन्होंने मन की बात वहाँ हमारे साथ सुनी। और ये मोदी जी का एक सपना था, या मोदी जी जो सोच रखते हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति का ध्यान रखा जाए और उस व्यक्ति को जो आखिरी कतार में है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसको भी काम मिले, उसको भी रोजगार मिले, उसको देखते हुए मोदी जी ने जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना था वो देखते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को शू लेने वाली बात की। और जिस प्रकार भद्रवाह की बात की उन्होंने, कश्मीर की बात की, मेघालय की बात की, और उन्होंने उस व्यक्ति को हिमालय पर जाके, जिस व्यक्ति ने वहाँ जाके वहाँ की साफ सफाई का काम शुरू किया, स्वच्छता का काम शुरू किया और उसके साथ साथ अपनी रोटी रोजी का काम किया, वहाँ आपने देखा किस प्रकार वो क्वार को इकट्ठा करके एक तो उस जंगल को सफाई हुई और उसके साथ साथ जो है उसने अपनी रोटी रोजी का भी जरिया बनाया। ऐसे काम जो है आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं। मोदी जी कहते हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम है और हम लोगों को काम करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं कि चाय बेचने वाला जिस प्रकार भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उस प्रकार छोटे से छोटा व्यक्ति काम करने वाला भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है, ये मोदी जी ने दर्शाया। और मुझे लगता है कि मोदी जी की क्यादत में जिस प्रकार 100 एपिसोड ये पूरे हुए हैं, आने वाले समय में भी मोदी जी इसी प्रकार जो है लोगों के बीच रूबरू होंगे और मन की बात करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पांचों के पांचों मंडल अध्यक्ष, उसमें केशव जी हों, उसमें प्रवीण केनी जी हों, उसमें अजय शर्मा जी हों, उसमें अतुल बख्शी जी हों, और उसमें चाहे रमन शर्मा जी हों, और मेरे मन की बात के इंचार्ज जयदी सुमयाल जी, और मेरे साथ मेरे महामंत्री, मेरे उपाध्यक्ष ब्रजेश जी बैठे हैं, और मेरी जिला की जितनी भी टीम है, सारी की सारी टीम, मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों की टीमें, और बूथों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, और सभी लोग, चाहे उसमें कॉर्पोरेटर्स हों, चाहे उसमें पंच सरपंचज हों, चाहे उसमें डीडीसी पीडीसी के मेंबर हों, और चाहे उसमें लोग जो आम जनता जिसने सहयोग दिया, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि जम्मू जिला में इतना भव्य, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, बढ़िया प्रोग्राम हुआ। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं और आगे भी ऐसे ही कामना करता हूं कि हम हमारी जो टीम है जो जम्मू जिला की, इसी प्रकार काम करेगी कार्यकर्ता को जोड़ने का, और जो कार्य हमें संगठन की तरफ से मिलेगा, हम उस कार्य को मिलजुल कर सब मिलकर करेंगे। और आने वाले समय में जो सपना मोदी जी ने देखा है भारत को विश्व गुरु बनाने का, वो जो सपना मोदी जी ने देखा है भारत को विश्व में नंबर एक बनाने का, और जो मोदी जी चाहते हैं कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने, भारत जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होकर आज सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक भारत में बन रहा है। और इसके साथ साथ एक बात और जोड़ूंगा, मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान से आए हुए जो हमारे हिंदू भाई और रिफ्यूजी जहाँ ठहरे हुए थे, जिनको 70 साल में मालिकाना हक नहीं मिला, आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ में एलजी मनोज सिन्हा जी ने उनको मालिकाना हक देकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। और ये बधाई जो है हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे एलजी साहब को जाती है, उन्होंने उनको वोटों का राइट दिया, उन्होंने उनको इलेक्शन लड़ने का हक दिया, उन्होंने उनको मालिक बना दिया, आज वो सही मायने से भारत के नागरिक जो है वो बन गए हैं। जय हिंद, जय भारत।